नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आपको आईबीएस है या नले है, आपने अपना डाइट चार्ट बना रखा है, आप उसमें से फैट नहीं ले रहे हैं, यानी कि आपने तली हुई चीज़ें और ऑयली फूड्स आपने बंद कर दी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के लिए फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनको भूख नहीं लगता है उनके लिए न्यूरोथेरेपी में क्या कैसे करते हैं वो मैं आज भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आपको फैट नहीं ले रहे हैं और आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैं एक ऐसा बता रहा हूँ कि अगर आप फैट नहीं ले रहे हैं तो उसका कारण भी हो सकता है कि आपको भूख नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको फैट भी लेना है और आपको भूख नहीं लगता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी कैसे लेना है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फैट लेने के लिए आप 7 बादाम और पिस्ता, 4-5 पिस्ता और 4 या 5 मूंगफली के दाने जो कच्चे होते हैं, और अखरोट, ये नट्स आपको रात में भिगो देना है और सुबह में उसको खाना है आपको, ठीक है। तो आपको जो हेल्दी फैट चाहिए वो आपको मिल जाएगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि फैट मैं घी के थ्रू लूँ या किसी तेल के थ्रू लूँ, तली हुई चीज़ें खाऊं, तो वो आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो फैट आपको मैंने बताया, हेल्दी फैट कैसे लेना है वो लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हेल्दी फैट नहीं लेंगे तो जो लीवर है वो बाइल जूस को भेजेगा ही नहीं, यानी कि बाइल जूस जो है लीवर में, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, वो थोड़ा भी निकलेगा नहीं, तो आपका भोजन पचेगा ही नहीं, ठीक है। और भोजन को पचाने के लिए बाइल जूस बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए फैट लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप, और जिनको भूख नहीं लगता है उनके नाभि के राइट साइड में, यहाँ पर देखिए, ये साइड में यहाँ से यहाँ तक है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ से टाइट हो जाता है, ठीक है। ऊपर जैसे दबाओगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा कोई दीवार है, ठीक है। और जिनको नले पड़ जाते हैं उनको ज़्यादा, या मतलब अंदर जब दबाओगे ना तो पत्थर जैसा लगेगा, ठीक है। ये अब इनको भी पहले भूख बहुत कम लगती थी, ठीक, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन अभी इनकी जो सिटिंग चल रही है तो इनको भूख लगना शुरू हो गया है ना। तो इनको अभी भूख लग रही है, और भूख लगाने के लिए क्या है कि न्यूरोथेरेपी में हम लोग लीवर के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा देते हैं, यानी कि दिन बाय दिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, और हम लोग फॉर्मूला भी इसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पेन पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, और अब पेशेंट को कहाँ पे पेन हो रहा है उसके हिसाब से हम उसमें फॉर्मूला में वो पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे पेन अब ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें, यानी कि आंतों को स्टिमुलेट करने के लिए, आंतों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इधर अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमें म्यूकस का जो पॉइंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इधर ज़्यादा पेन हो रहा है राइट साइड में तो फिर हमें लीवर का पॉइंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नाभि है, नाभि के ये दोनों साइड में ज़्यादा दर्द हो रहा है या ज़्यादा टाइट है तो फिर हमें WD वाला पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। ये सब न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं। आपको समझ में अगर नहीं आए मैं क्या बोल रहा हूँ, WD या गैस आई या गैस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से न्यूरोथेरेपी में इसे ठीक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ऐसी कोई भी समस्या है कि कई सालों से आप परेशान हैं, भूख नहीं लग रहा है, IBS है, IBS-C है, IBS-D है, या अनक्लासीफाइड है, या IBS मिक्स वाला है, कभी अच्छा टॉयलेट आता है, कभी बुरा आता है, कभी फटाफट आएगा, कभी बंद के आएगा, तो ऐसी समस्याएं हैं, आपको भूख नहीं लगती है, तो आप हमारे पास आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। लेकिन भाई हमको समय की ज़रूरत होती है, आप जब भी आएँ तो 10 दिन में, 15 दिन में आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं ठीक होके आ जाऊँगा। आप यहाँ पे आएंगे, मिनिमम आपको 1 महीने का समय देते हैं, लेकिन यदि आप 5 साल या 10 साल से परेशान हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 महीना देना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।